जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी पर। हम जब भी CDS का फॉर्म भरते हैं या aCadet का फॉर्म भरते हैं या किसी भी डिफेंस की ऑफिसर एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो ये दो वर्ड्स हमारे सामने ज़रूर आते हैं कि आइदर यू आर अप्लाइंग फॉर द परमानेंट कमीशन और द शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या डिफरेंस होता है डिफेंस की जो एंट्री होती हैं, जैसे अगर OTA हम ज्वाइन करते हैं तो हम शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई करते हैं, जब हम IMA में इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं तो हम परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो डिफरेंस क्या होता है परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन में, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। पहली ये बात बता दूं कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये आर्टिकल एक लिखा गया है अवधेश कुमार जो फॉर्मर कर्नल रह चुके हैं इंडियन आर्मी में, उनका लिखा हुआ ये आर्टिकल है। इसके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन के बीच में। पहले मैं आपको बताऊँ, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कमीशन ग्रांटेड बाई द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू दोज हु विश टू सर्व द कंट्री बाई ज्वाइनिंग और बींग एसोसिएटेड विद द आर्म्ड फोर्सेज एज ऑफिसर। तो ऑफिसर जो बनते हैं बहुत तरह के कमीशन होते हैं, जिसमें दो मेन जिनकी हम बात करेंगे वो हैं परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसके अलावा स्पेशलिस्ट कमीशन होता है, इमरजेंसी कमीशन होता है, रेजिमेंटल कमीशन होता है, ऑनोरेरी कमीशन होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन के बीच में। Everyone knows that even though Indian Army is a volunteer force, there is a very tough competition. इन सभी बातों को छोड़ के हम सीधा पॉइंट के ऊपर चलते हैं टाइम को वेस्ट न करते हुए। देखो, hence when you volunteer for a permanent commission, जब आप permanent commission के लिए volunteer करते हैं, then you must sign a bond to serve for a minimum period of 20 years. Permanent commission में ये कंपलसरी होता है कि आपको 20 साल कम से कम नौकरी करनी पड़ेगी फौज में, यानी कि इंडियन आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में। लिविंग बिफोर दिस पीरियड इज़ नियरली इम्पॉसिबल, इससे पहले छोड़ना तो इम्पॉसिबल सा ही होता है, कोई स्पेशली केस हो तो बात अलग है। इट इज़ विदाउट पेंशन, और अगर 20 साल से पहले छोड़ दे तो हमको पेंशन नहीं मिलती। ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल कंप्लीट होने के बाद, अभी हम परमानेंट कमीशन की बात कर रहे हैं, 20 साल कंप्लीट होने के बाद यू मे अप्लाई फॉर द रिटायरमेंट, आप रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड यू विल गेट ए पेंशन। आपको पेंशन मिलेगी, जो मिलेगी 50% होगी आपकी लास्ट बेसिक सैलरी की, और आपको जो मिलिट्री सर्विस के बाकी चीजें होती हैं वे भी आपको ऐड होके मिलेंगी फॉर लाइफ, जब तक आप जीते हैं। इन केस यू कंटिन्यू देन यू विल रिटायर ऑन अटेनिंग द एज, जरूरी नहीं है 20 साल के बाद आपको छोड़ना ही, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कहने का मतलब 20 साल तो आपको मिनिमम करनी पड़ेगी आप परमानेंट कमीशन के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो, और अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपकी जब तक एज नहीं हो जाती रिटायर होने की, यानी कि 54 ईयर कर्नल के लिए, 56 ईयर ब्रिगेडियर के लिए, तो एंड सो ऑन इस तरीके से, तो तब आप रिटायर होंगे जाके। ये होता है परमानेंट कमीशन, मतलब परमानेंटली आर्मी में रहना जब तक रिटायर नहीं होते, और अगर आना है तो 20 साल तो फिर भी कम से कम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करें, एज ए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर यूर इनिशियल बॉन्ड फॉर 5 ईयर, जो पहला बॉन्ड होता है वो 5 साल का होता है, मतलब 5 साल तो मिनिमम करनी पड़ेगी शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी, लेकिन 20 साल नहीं है, 5 साल में आप छोड़ सकते हैं। अगर आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो 5 साल का और करवा सकते हैं या फिर 9 साल का और ये लगभग कितने का हो गया, इनकेस दैट मे बी दैट टोटल ऑफ 14 ईयर्स, 14 ईयर की ये होगी यहाँ पर। हाउएवर ऑन लिविंग देयर इज नो पेंशन एंड, 14 साल की जब छोड़ते हैं हम शॉर्ट सर्विस कमीशन में, छोड़ सकते हैं, कंपलसरी नहीं है 20 साल करना, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन में फिर आपको पेंशन नहीं मिलने वाली 14 साल के बाद। पर ईयर टू कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर द बैच ऑल दोज ऑप्टिंग इज कंसिडर्ड फॉर परमानेंट कमीशन बाई सिलेक्शन बोर्ड ऑन गेटिंग परमानेंट कमीशन एंड ऑफिसर लूजेज अबाउट 8 or 9 months. ऐसा होता है कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में होते हैं ना, वे भी टेस्ट वगैरह देकर और इंटरव्यू जो हेल्ड होते हैं इंटरनली जाके, वे परमानेंट कमीशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो, लेकिन उनकी कुछ सीनियरिटी लॉस हो जाती है 8 or 9 months का, जो CDS के थ्रू IMA के थ्रू आए होते हैं उनके मुकाबले में। तो यही डिफरेंस था जो आज हमने डिस्कस किया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एक आर्टिकल था जो लिखा गया अवधेश कुमार जो फॉर्मर कर्नल रह चुके हैं इंडियन आर्मी के अंदर, तो यहां पर हमने बेसिकली सीखा कि डिफरेंस क्या होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन के बीच में। अगर आपके और भी कोई डाउट है डिफेंस से रिलेटेड जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कहीं से भी वो एक ऑथेंटिक, एक अच्छी और एक रियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूं वीडियो के माध्यम से। तो जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी चैनल के साथ, एनसीसी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है पूछते रहिए कमेंट बॉक्स में।
और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।